हुआ है स्नोफ्लेक्स की तरफ से कि वेलकम टू द स्नोफ्लेक्स, योर अकाउंट हैज़ बिन एक्टिवेटेड। क्योंकि मैंने एक्टिवेट किया था ईमेल पे जाके, तो वहाँ पे वो मुझे एक्टिवेट का ऑप्शन आया है। ओके सो चलते हैं हम लोग डेटाबेस यूज़ करने की तरफ। ओके सो यहाँ पे हमें वेलकम कर रहा है स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो क्वेरी रन कर सकते हैं, पार्टनर्स के डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वेयरहाउस एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेटाबेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्वेरी हिस्ट्री भी चेक कर सकता हूँ मैं, और जो डेटा शेयरिंग जो है वो सिक्योर भी करता है स्नोफ्लेक्स। तो स्नोफ्लेक्स अपने बारे में कुछ अपनी फीचर्स बता रहा है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके सो थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। यस सो जूम हो चुका है। सो थोड़ा बताता हूँ मैं आपको स्नोफ्लेक्स के बारे में। ओके सो स्नोफ्लेक्स एक वेबसाइट जैसे है, ये हमें जो है एप्पल कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। ओके यहाँ पे सबसे पहले सैंपल डेटा बहुत सारे रहते हैं। आपने जैसे अगर MySQL किया हुआ है तो आपको पता है कि आपको कैसे क्वेरीज रन करने हैं। सो क्वेरीज रन करने के लिए हम लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज कि मुझे स्नोफ्लेक्स की तरफ से जो सैंपल डेटा मिला हुआ है इसका मैं ये वाला डेटाबेस का कुछ टेबल्स जो कस्टमर वाला टेबल है मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ओके सो कस्टमर टेबल का मैं यहाँ पे प्लेस नेम इन एसक्यूएल करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ओके सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये नेम ऑटोमेटिकली ले चुका है ये। आप देख सकते हैं कि ये टेबल जो है ऑटोमेटिक दिया हुआ रहता है स्नोफ्लेक्स में डेमो के तौर पे। ओके सो इस टेबल में 150,000 रोज है और ये टेबल लगभग 10.3 MB का है। ओके सो मैं इसे रन करता हूँ, एक्सिक्यूट करता हूँ। रन के लिए आप यहाँ पे रन क्वेरी पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे रन हो रही है हमारी क्वेरी। और फिर देखिए ये 150,000 रोज जो है सारे के सारे आपके प्रिंट हो चुके हैं। और अगर आप इतना लंबा ये नहीं लिखना चाहते हैं, सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस सेलेक्ट करके नहीं लिखना चाहते हैं। ओके सो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले वेयरहाउस तो ठीक है, डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस जो है स्नोफ्लेक्स सैंपल डेटा रहेगा और स्कीमा जो हमने सेलेक्ट किया था आप देख सकते हैं ना यहाँ पे TPCH SPF1, सो ये स्कीमा है। ओके सो उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर था टेबल का नाम कस्टमर। आपको पता है कि स्नोफ्लेक्स जो है केस सेंसिटिव नहीं है तो आप स्मॉल या कैपिटल में लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मैंने यहाँ पे रन किया और देखिए ये रन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट किया था और स्कीमा भी सेलेक्ट किया था। ओके सो अगर आपने डेटाबेस और स्कीमा सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे उतना लंबा आपको ये यहाँ पे जा करके ये प्लेस नेम इन एसक्यूएल का टैग देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नहीं दिया हुआ तो सेलेक्ट जो है आप एसक्यूएल का प्लेस नेम इन एसक्यूएल वाला ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ओके सो दिस इज द सैम्पल कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस में अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर रोल देखिए, यहाँ पे रोल जो है एडमिन के तरफ से अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस रोल के बारे में आगे आपको वीडियो में मैं बताऊँगा। ओके उसके बाद फिर वेयरहाउस के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊँगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके रोल आप चेंज भी कर सकते हैं, आपको कब किस रोल में जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। रोल आपका पब्लिक है, सिक्योरिटी एडमिन है, अकाउंट एडमिन है और भी कई सारे हैं। आप यहाँ पे सिस्टम एडमिन, यूज़र एडमिन, बहुत सारी है रोल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था सिंपल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस को जानने के लिए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।